नमस्कार। आज हम भौगोलिक प्रदेश के अंतर्गत हाड़ौती का पठार या दक्षिणी पूर्व पठार का अध्ययन करेंगे। राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी एक सुनिश्चित भौगोलिक इकाई है, जिसे हाड़ौती का पठार कहा जाता है। इस भाग के अंतर्गत कोटा, बारा, बूंदी व झालावाड़ जिले सम्मिलित किए गए हैं। यह पठार 24,185 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इस प्रदेश की पूर्वी, दक्षिणी व दक्षिण पश्चिमी सीमाएं मध्य प्रदेश राज्य से लगती हैं। हाड़ौती पठार का नामकरण कैसे हुआ? हाड़ौती पठार, इसमें मुख्य रूप से शामिल भूतपूर्व तीनों राज्यों जैसे बूंदी, कोटा व झालावाड़ का इतिहास एक रूपता लिए हुए था। इसका प्रमुख कारण ये था कि बूंदी राज्य के ये सारे अभिन्न अंग थे और मध्यकाल में हाड़ौती स्थानीय शासकों द्वारा शासित रहा, जिसके बाद में इस प्रदेश को हाड़ा शासन या हाड़ा शासन द्वारा इस प्रदेश का विस्तार किया गया और जिससे आगे चल के इसको हाड़ौती पठार नाम दिया गया। ये तो इतिहास की बात है। अब अपना इसका रिलीफ कैसा है, उच्चावच कैसा है? उच्चावच की दृष्टि से यह प्रदेश मालवा के पठार का उत्तरी भाग है, जिसे राष्ट्रीय एथलेट की भू आकृति प्रदेशों में मध्य भारत का पठार के रूप में प्रदर्शित किया गया है। और इस प्रदेश की धरातलीय आकृति पठारीय होने के कारण ही इसे हाड़ौती का पठार कहा गया। हाड़ौती पठार अध्ययन की दृष्टि से यदि अपन इसको विभाजित करें तो इसमें अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणियाँ स्थित हैं। हाड़ौती के पठार में अर्धचंद्राकार रूप से पर्वत श्रेणियों का विस्तार, जो मुख्य रूप से बूंदी व मुकुंदवाड़ा श्रेणियों के नाम से जाने जाती है। बूंदी पर्वतमाला 96 किलोमीटर की लंबाई में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में फैली हुई है। और इसके बाद में बूंदी नगर के आसपास में देवली कोटा मार्ग है। ये सारी चीज़ें मुकुंदरा श्रेणियाँ हाड़ौती पठार के मध्य से उत्तर पश्चिम की तरफ से दक्षिण पूर्व दिशा में लगभग 120 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। अब दूसरा इसका भाग आता नदी निर्मित मैदान। बूंदी तथा मुकुंदवाड़ा पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ ये भूभाग चंबल तथा इसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदानी प्रदेश है। फिर इसका एक भाग आता है शाहबाद का उच्च प्रदेश। अब हाड़ौती का पठार उच्च प्रदेश में अवस्थित होने के कारण से शाहबाद के उच्च प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। इसका सर्वोच्च भाग जो ऊंचा है वो समुद्र तल से 456 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अब इसके अलावा आता है झालावाड़ का पठार, मुकुंदवाड़ा पर्वत श्रेणियों के दक्षिण में स्थित भूभाग, जो 300 से 450 मीटर की ऊंचाई वाला पठारी भूभाग है। यह भाग मालवा के पठार का अभिन्न अंग है। अब आता है डग गंगाधर उच्च प्रदेश। ये हाड़ौती के पठार का दक्षिणी पश्चिम भाग, डग गंगाधर एक उच्च क्षेत्र है जिसकी ऊंचाई 450 मीटर है। अब इस भाग में अपवाह तंत्र या नदियों का क्या पैटर्न है, ड्रेनेज पैटर्न कैसा है? हाड़ौती के पठार का अपवाह तंत्र मुख्य रूप से चंबल व इसकी सहायक नदियों द्वारा नियंत्रित होता है। अब इसमें सबसे प्रमुख नदी है चंबल। चंबल जो मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत के उत्तरी भाग में महू के दक्षिण में मानपुर नामक स्थान से नदी का उद्गम होता है। उसके बाद में दूसरी नदी आती काली सिंध, मध्य प्रदेश के देवास क्षेत्र से इस नदी का उद्गम है, जहाँ से उत्तर की ओर ये नदी उत्तर की ओर ये नदी प्रवाहित होती हुई मुकुंदवाड़ा श्रेणियों से अपना मार्ग बनाती है। तीसरा है पार्वती नदी, ये चंबल की सहायक नदी है। इसका उद्गम मध्य प्रदेश के सीहोर क्षेत्र से होता है। अब इसके बाद में है मेज नदी, ये भीलवाड़ा जिले से मेज नदी निकलती है और ये बूंदी पर्वत मालाओं से
खैरगढ़ के निकट मार्ग बनाती हुई श्रेणियों के समान पर प्रवाहित होती सीनपुर गांव के पास चंबल नदी में मिल जाती है। मेज नदी की सहायक नदियों में बाजन तथा कुराल नदियां प्रमुख हैं। अब इस क्षेत्र का जलवायु कैसा है? हाड़ौती पठार का इस प्रदेश की जलवायु भी मानसून द्वारा नियंत्रित उप उष्ण है। इसकी प्रमुख विशेषता ऋतुओं के अनुसार तापमान, वर्षा, आर्द्रता, हवाएं आदि की परिवर्तनशीलता है। नवंबर से फरवरी तक शीत ऋतु, मार्च से मध्य जून तक ग्रीष्म ऋतु व मध्य जून से अक्टूबर तक वर्षा ऋतु होती है। यहाँ पर शीतकाल में सितंबर के महीने में औसत तापमान लगभग 30 डिग्री सेल्सियस से घटकर 17 डिग्री के आसपास चला जाता है और ग्रीष्मकाल में यहाँ का उच्च तापमान 38 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। अब यहाँ की नेचुरल वेजिटेशन कैसा है? प्राकृतिक वनस्पति इस प्रदेश की वनस्पति में उष्ण शुष्क पतझड़ वाले वनों की अधिकता पाई जाती है, जिनमें धोकड़ा वन है, मिश्रित वन है, खेर के वन हैं। इसके अलावा इस प्रदेश में घास व झाड़ियाँ भी कहीं कहीं पाई जाती हैं। अब यहाँ का मृदा कैसा है, सोयल कैसी है? हाड़ौती प्रदेश में मिट्टी की विविधता स्पष्ट रूप से देखी जाती है, क्योंकि मैदानी भूभागों पर नदियों द्वारा जमा की हुई जलोढ़ मिट्टियाँ यहाँ पाई जाती हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र में काली मिट्टी भी पाई जाती है। झालावाड़ के पठार के पास में जहाँ कपास की खेती भी की जाती है काली मिट्टी के कारण, और काली मिट्टी अधिकांश रूप से झालावाड़ और कोटा जिले के दक्षिण पूर्व भागों में देखी जाती है, और पर्वतीय ढालों पर मिट्टी कंकड़ पत्थर युक्त हैं। तो सामान्य रूप से कृषि के लिए यदि देखा जाए तो ये मिट्टी उपयोगी है। अब यहाँ लैंड यूटिलाइजेशन कैसा चल रहा है, भूमि उपयोग कितना है? तो हाड़ौती प्रदेश की विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों ने यहाँ की भूमि उपयोग को प्रभावित के साथ साथ नियंत्रित कर रखा है, जैसे पर्वत श्रेणियाँ, नदी बेसिन, पठारी क्षेत्र कारण भू उपयोग में क्षेत्रीय विभिन्नताएँ परिलक्षित होती हैं। अब यहाँ पर प्रमुख कृषि फसलें कौन सी है? प्रिंसिपल क्रॉप्स पर्याप्त वर्षा एवं अनेक क्षेत्रों में विकसित सिंचाई की सुविधाओं तथा उपजाऊ मिट्टी के कारण यह प्रदेश मूल रूप से कृषि प्रदेश है। यहाँ रबी तथा खरीफ दोनों प्रकार की फसलें बोई जाती हैं। रबी में यहाँ गेहूँ है, जो है अलसी है, चना है, और खरीफ में ज्वार, तिल, मक्का, मूंगफली, गन्ना और कपास या कहीं पर भी तंबाकू भी बोया जाता है। अब इस क्षेत्र में सिंचाई ये राजस्थान का अधिक वर्षा वाला प्रदेश है। इस प्रदेश में वर्ष पर्यंत बहने वाली चंबल नदी बहती है, जिसका सिंचाई के लिए समुचित उपयोग किया जाता है। कोटा व बूंदी जिलों में नहर द्वारा सिंचाई की जाती है, यहाँ कुओं द्वारा भी पर्याप्त सिंचाई की जाती है। खनिज की दृष्टि से हाड़ौती प्रदेश एक अभाव वाला प्रदेश है, जहाँ पर विशेष रूप से व्यापारिक दृष्टिकोण से फसलों खनिजों का खनन नहीं किया जाता ज़्यादातर। अब उद्योग यहाँ पर परंपरागत कुटीर उद्योग ज़्यादा प्रचलित हैं, लेकिन कोटा शहर में औद्योगिक क्षेत्र में बहुत अधिक विकास हुआ है। परिवहन देखा जाए तो सड़कों का अच्छा विकास है, रेल मार्ग का भी अच्छा हुआ है, और वायु परिवहन की दृष्टि से ये ज़्यादा विकसित नहीं है। और अब यदि अपन जनसंख्या की बात की जाए, डेमोग्राफिक पैटर्न, तो यहाँ पर जनसंख्या कहीं पर अधिक है तो कहीं पर कम भी पाई जाती है। इस प्रकार से हाड़ौती प्रदेश का विवरण मिलता है।